फिरोजाबाद शहर के गली बोहरान के चूड़ी व्यापारियों के साथ बीते दिन हुई अभद्रता के विरोध में नगर आयुक्त और महापौर से की मुलाकात, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। नगर निगम परिसर में भीड़ है गली बोहरान के चूड़ी व्यापारियों की। सोमवार की दोपहर चूड़ी व्यापारी एकजुट होकर फिरोजाबाद महापौर और नगर आयुक्त से मुलाकात की और कहा, बीते दिन नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने गली बोहरान के दुकानदार के साथ अभद्रता की थी और कार्यवाही के नाम पर धमकी भी दी थी, जिसको लेकर मुलाकात की और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। मैं युवा जिलाध्यक्ष प्रशांत माहेश्वरी, अखिल भारतीय उद्योग मंडल, सारे व्यापारी हैं हमारे गली बोहरान से आए हुए हैं। कल जो नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने वहाँ टीन शेड जाकर व्यापारी ने वर्दा वगैरह खरीदी, तो उसके लिए शिकायत दी, तो नगर आयुक्त महोदय और महापौर महोदय हमारे सुरेंद्र जी ने संज्ञान लिया मामले को। तो आज सब लोग इकट्ठे होकर अपनी बात रखने के लिए नगर आयुक्त महोदय के पास आए, तो यहाँ नगर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो भी समस्या है मतलब एक एक करके ही लोगों की जो टीन शेड है उसको नया लगाने के बाद वो पुराना उखाड़ा जाएगा, और जो वहाँ की जो शौचालय या पानी की या बिजली के तारों की जो जन समुचित व्यवस्था है पहले उनको किया जाएगा, उसके बाद आगे कोई काम होगा। और सौंदर्यकरण या नगर निगम के सपोर्ट के लिए हम लोग हर तरीके से तैयार है, मगर बसरते हम नगर निगम से ये भी चाहते हैं कि विश्वास में लेके व्यापारियों को, उसके बाद कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, व्यापारी और व्यापार मंडल नगर निगम के साथ में है, सौंदर्यकरण के साथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, विकास का कार्य कर रहे हैं, शहर के जनप्रतिनिधि अच्छा कार्य कर रहे हैं, व्यापारी भी उनके साथ में है, मगर नगर निगम के कुछ लोग गलत मानसिकता के कारण इस तरीके से करते हैं, उसके लिए ये विरोध करना पड़ता है। और व्यापारियों को विश्वास में लेकर नगर निगम काम करेगा, तो व्यापारी हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। धन्यवाद। उन्होंने आश्वास, हम लोगों ने अपनी बात रखी थी कि टीन उखाड़ने से पहले बिजली के तारों को ठीक कर दिया जाए, तो वो बोल रहे हैं बिजली का कार्य चालू हो रहा है और हो जाएगा, और इसके बाद में एक एक करके टीन उखाड़ेंगे, और जो पर्दा लगाने की बात है नहीं लग एक एक करके पर्दा उखाड़ेंगे, और वो तीन उखाड़ेंगे फिर पर्दा लगाएंगे, इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने चाहिए। हाँ, हम संतुष्ट हैं इस बात से। हम ये भी चाह रहे, हम तो सहयोग करना चाह रहे हैं, और ये भी चाह रहे थे कि रक्षाबंधन का हम लोगों का सीजन है, अगर 2 महीने बाद ये काम 1.5 महीने बाद होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन अब नगर आयुक्त साहब बोले नहीं, एक एक करके काम कराना अभी जरूरी है, तो फिर हम लोग कोऑपरेट करेंगे इस तरह से।